बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितिन राम मांझी ने मंगलवार को सरकार के खिलाफ एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया। मांझी ने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार रिपोर्ट कार्ड जारी करने के लायक नहीं है। साथ ही मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप मामले को लेकर भी मांझी ने नीतीश सरकार को घेरा और कहा कि इस मामले की जाँच हाईकोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। मांझी ने इसके साथ ही अन्य बालिका गृह की भी जांच सीबीआई से कराने की मांग की। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप होना चाहिए ताकि ये सीबीआई की जांच हो। ऐसे बिहार में 8-9 केसेस सीबीआई की जांच चल रही है, किसी में 2 वर्ष, किसी में 3 वर्ष, किसी में 4 वर्ष, उसका रिजल्ट नहीं आया। ये घटना उन 8-9 केसों से इतर है, अलग है। इसको अगर छोड़ दिया जाएगा सिर्फ सीबीआई पर तो वही कंडीशन होगा जो अन्य 8 केसों में है। इसीलिए आज इसके माध्यम से हम आप लोगों से ही कहना चाहते हैं कि भारत सरकार बहुत इसमें संवेदनशील है, तो या माननीय उच्चतम न्यायालय से या उच्च न्यायालय से भी हम अनुरोध करेंगे कि इसको आप अपने स्तर से मॉनिटर कीजिए, तभी इस केस की परिणति होगी। नहीं है, ये गोपालगंज में भी है, छपरा में भी हुआ है, सिवान में भी हुआ है, सीतामढ़ी में भी है, भागलपुर में भी बात आई है। कहने का मतलब जहाँ जहाँ अल्पवास भी बनाए गए हैं और एनजीओ के द्वारा संचालित है, सब में कुछ न कुछ इसी ढंग की बातें हो रही है और जौन और दुष्कर्म की बात तो होती ही है। और जो लड़कियाँ किसी न किसी रूप में पहचान जाती है या प्रतिकार करती है या गर्भवती होती है, उसको जान मार दिया जाता है। ये भी बातें सामने में आई है कि स्लॉटर हाउस के रूप में वो काम कर रहा है कि बच्चियां अगर थोड़ी भी मुखालफत करती है तो उनकी हत्या कर दी जाती है। इस चीज़ को भी मुजफ्फरपुर के अलावे अन्य जगहों में जहाँ जहाँ नाम आया है वहाँ भी सीबीआई इंक्वायरी का दायरा बढ़ना चाहिए, वो आज के संदर्भ में कहना चाहते हैं। मांझी के रिपोर्ट कार्ड पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी पुत्र मोह में महागठबंधन में जाकर बैठ गए, जबकि उनको समझना चाहिए कि लालू यादव के शासनकाल में दलितों पर कितना अत्याचार हुआ है। और मांझी जी से मैं जानना चाहता हूँ कि जरा वो बताएं, पुत्र मोह में जाकर करके लालू यादव की गोद में जाकर के बैठे हैं और जिस समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं उसके लिए लालू यादव ने क्या किया था 15 वर्षों में? 12 और बाथे मियाँपुर जैसे नरसंहार हुए थे जिसमें 500 से अधिक दलित मारे गए थे, और कोई योजना कोई कार्यक्रम उसने नहीं बनाने का काम किया था। हमारी सरकार तो आज दलितों के लिए जो बीपीएससी में जो पास करेंगे पीटी उसको 50,000 रुपया, जो यूपीएससी में करेंगे उनको 1,00,000 रुपया, हॉस्टल में रहने वाले लोगों को 15 किलो गेहूं और चावल मुफ्त में प्रति माह दिया जाएगा, 1,000 रुपया पॉकेट खर्च के रूप में दिया जाएगा। 2004-05 में जहां इस सरकार का दलितों के लिए विकास के लिए केवल 40 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान होता था, आज बढ़ा कर करके 1,550 करोड़ रुपया हमने करने का काम किया है। हमने काम किया है दलितों के लिए, और वो बताएं जरा जो दलितों के लिए क्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगले साल लोकसभा और 2020 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एनडीए से अलग होने के बाद जीतन राम मांझी लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं, जिससे किसका फायदा चुनावों में मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।